पूरे देश की नजरें राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। ऐसे में फैसले के बाद किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीहोर कलेक्ट्रेट के आदेश के अनुसार सीहोर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई अलर्ट पर है, वहीं राजधानी से सटे 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में भी सीहोर कलेक्ट्रेट अजय गुप्ता ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी है। संवेदनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसले आने से पहले कलेक्टर अजय गुप्ता ने मंगलवार को सीहोर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार सीहोर में अगले महीने 15 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर अजय गुप्ता ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया, जिसमें समूहों में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। इस दौरान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे, जिसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी देनी होगी और अनुमति लेनी होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर तत्काल कार्यवाही होगी। वहीं धारा 144 होते ही कलेक्टर अजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को सीधा संदेश दिया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो खैर नहीं। कलेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मैसेज पर निगरानी की विशेष टीम अपनी पैनी नजर रखेगी और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। सीहोर SP चौहान ने जिले के समस्त पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी और जिले में शांति समिति की बैठक के जरिए आमजन सामाजिक लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। उच्च न्यायालय का फैसला भी लेना है, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से, जिला पुलिस की ओर से शांति की अपील है, क्या करना चाहिए? जहाँ तक हमारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सवाल है, वो एक मुद्दा अलग है, पर उस आस्था शहर की जो पर हमने पिछले 10 माह में देखी है, सौहार्द धर्म संहिता और भेदभाव की है। इसके बावजूद अगर कोई छोटा मोटा असामाजिक तत्व समाज का बहुत छोटा पार्ट होगा, अगर कोई हरकत करेगा, तो माननीय DSR के निर्देशन में इतनी सख्त व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है कि हम चाहेंगे तो किसी मोहल्ले को पैक कर देंगे, हम चाहेंगे तो किसी मोहल्ले को खोल देंगे। बाहर से पर्याप्त बना रहा है, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए विशेष उपकरण आ चुके हैं और मोहल्ला मोहल्ला हमने समिति बना दी, जो भजन जो पुलिस की मदद करेंगे, जो प्रशासन की मदद करेंगे या रिसर्च करेंगे, और बांड ओवर करने के लिए माननीय DM साहब ने बता दिया कि 10,000 का बांड नहीं होगा, कम से कम 50,000 रुपये का बांड होगा। इसी प्रकार से धारा 144 लागू कर दी गई है, पर मुझे लगता है कि इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ का जो प्रगतिशील जनता है, प्रगतिशील मीडिया है, यहाँ का जो मिलनसारिता का माहौल है, ऐसा कुछ होगा नहीं। होगा बहुत ज़्यादा सख्ती के हिसाब से पूछा दिया जाएगा, ताकि अगले 10 साल तक तहसील ना बने। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए टीम एक्टिवेटेड है, विभिन्न स्तरों पे जिम्मेदारी दी गई है अधिकारियों को, और यदि कोई ये सोचे कि प्रशासन की निगाह सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो बहुत भारी गलती कर रहा है। और SP साहब ने तो बोला कि उन्माद का या सांप्रदायिक सौहार्द को कोई भी अगर बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार सर का फन कुचला जाता है, वैसे ही कार्रवाई प्रशासन के द्वारा। सर, सामाजिक 144, देखिए ये एहतियात बरतने के सभी प्रकार के जो टूल्स हैं, जिसमें कि धारा 144 लगाई जाती है कि किसी प्रकार का जुलूस, त्योहारों को हम किसी प्रकार का बैन नहीं कर रहे हैं। त्यौहार पे जितने भी हमारे 30 त्यौहार आ रहे हैं, उस पर SDM साहब किसी प्रकार का जुलूस निकलना है, शांति व्यवस्था कैसे कायम रहनी, उसकी अलग से परमिशन देंगे। पर 144 में ये देखा जा रहा है कि यदि कोई एक पर्टिकुलर वर्ग इकट्ठा होता है, सामाजिक भावनाओं को भड़काने के प्रयास किए जाते हैं, तो फिर ये एक कानूनी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत जिसके उल्लंघन पे कार्रवाई जिला प्रशासन करता है। तो मैं चाहूँगा सभी ज़िलेवासियों से कि आप निश्चिंत रहिए और खुशनुमा माहौल में सभी प्रकार के त्यौहारों को मनाइए। अदालत का फैसला जो भी आए उसका स्वागत करिए। और JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।